गुड आफ्टरनून बच्चों गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं हव यू यस यस गुड आफ्टरनून एवरी वन राज कल की क्लास ली थी आप लोगों ने येस मेरे प्यारे बच्चों इलेवेंथ क्लास पॉलिटिकल साइंस एंड यस्टडे आई टॉट यू वाई डू वी अनीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ये सब हमने बहुत सारी चीज़ें और कल मैंने कुछ डेट्स भी आपको बताई थी कि फर्स्ट फर्स्ट जो मीटिंग थी हमारी नाइन्थ नाइन्थ दिसम्बर 1946 फोटी सिक्स राइट अब मैं आपसे वो जो कल डेट है मैंने आपको बताया था कि जो मैं आज आपको बता रही हूँ जो पॉइंट्स में बता रही हूँ उसको कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वेरी ट्रूली आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी ओके सो मैंने टॉपिक भी मेंशन किया है कॉन्स्टिटेंट असेंबली राइट सी पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज जॉइन किया होगा कुछ बच्चों ने आज देखा है राइट right? सो so, uh, पहले uh, मेरे प्यारे बच्चों इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स तो मैंने उन uh, आप लोगों से बात किया था कि हर कंट्री में मतलब डिपेंड ऑन कंट्री की उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है या अपना uh, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है या नहीं सो so, आपकी जैसे इलेवेंथ क्लास की बुक की मैं आपकी बात करूं uh, तो इसमें जैसे एक यूरोपियन uh, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ सी ही दिख रहा है आप सभी को यस yes. सो so, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो कित कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी एक और यूरोपियन यूनियन आप जब ट्वेल्थ क्लास में आएंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज़ का और uh, इसको यू ई यू बोलते हैं और एक और इसकी बात बताती हूँ बेटा देखो कभी भी मैंने आपको कल भी बताया था ये वाली बात कोई भी किसी भी कंट्री में अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई चेंज लाते हैं तो बहुत वो इजी टास्क नहीं होता वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे ही मैं यूरोपियन यूनियन की अगर बात बताऊँ तो नाइनटीन सेकेंड वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से लेकर सो फर्स्ट इज़ नाइनटीन 47 में इनका फर्स्ट ऑर्गनाइज फर्स्ट इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो मतलब अब ये देखिए कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूरोपियन यूनियन बन बनना स्टार्ट हुआ था एंड 1992 में यूरोपियन यूनियन बन के कम्प्लीट हुआ सो यहाँ एक और था कि चलिए ये तो हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ ये यह आपको पिक्चर क्यों मेंशन किया है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेटा यहाँ इसलिए इस कार्टून को मेंशन किया है और ये कार्टून को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन लोगों के हाथों में है देखो यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना तो ये बनाया गया राइट लेकिन नाइनटीन में इतना टाइम क्यों लगा सी टाइम इसलिए बेटा इसलिए लगा इन लोगों को क्योंकि ए, आ, इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी तो ये कहा जा ये कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेन लैंग्वेज में इस लैंग्वेज में लिखा जाए सब कंट्रियाँ जो ट्वेल्व जो स्टार्टिंग की जो इनकी ट्वेल्व कंट्रीज थी तो उनका ये था कि नो हमारे हमारी कंट्री में कंट्री का लैंग्वेज इसमें मैंशन कीजिए इसका हमारे लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप ये बताइए चलिए स्पेन में हम लिख देते हैं ये यूरोपियन यूनियन अगर ये लोग लिखते तो वो स्पेनिश डोमिनेशन ज़्यादा बढ़ जाता राइट क्यों क्योंकि वो तो स्पेनिश ही समझ पाते है ना स्पेन के लोग ही समझ पाते तो हम लोग तो नहीं समझ वो दब, जो भी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो नहीं समझ पाते तो डोमिनेशन उसका बढ़ जाता राइट सो बहुत डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता जा रहा था राइट right. और ये यूरोपियन यूनियन का ही अपना फ्लैग है नेशनल एंथम है तो अपना एक इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन को ही एक अलग से एक वर्ल्ड बना के तैयार किया है सो so, इतना टाइम क्यों लगा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था और इवन हमारी कंट्री के लिए जो जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेज़ हैं इनको सबको यूनाइट करना और मैं तो ये कहती हूँ फिर मैंने देखो कल भी मैं बहुत तारीफ कर रही थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की और आज जो खूबसूरत डे है आज भीमराव श्रीमान और भीमराव अंबेडकर जो इनका बहुत मैं सम्मान करती हूँ इन्होंने बहुत हमारी सोसाइटी के लिए काम किया और इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाया गया इनको मेरा पूरा हार्दिक दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ इनको और मुबारकबाद भी देती हूँ मुझे लगता है कि इस दुनिया में वो दोबारा आए होंगे किसी पर्सनालिटी में और वो अभी भी अगर हैं तो इस दुनिया में हमारे हमारे इंडिया में बेसिकली मैं तो अपने इंडिया के लिए ही बात करना चाहूँगी तो आ, उनको नम नम मतलब उनको नमस्कार दिल से बहुत कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है एक एक ऐसा वर्ग जो जिसका कभी उत्थान नहीं हो सकता था जिनका जिनका कभी उन्नति नहीं कर सकता था वो उस उस क्लास को भी आगे बढ़ा के गए वो हाँ एक और दूसरा हम और देखिए हमारे मैंने आपको जैसे डिफरेंस डिफरेंट आइडियोलॉजी और डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज इन सबको यूनाइट करके और ऐसा uh, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जो हाई हाई कास्ट लोअर कास्ट ये सबको मतलब सबको इक्वल लॉ दिया कि सब इक्वल होंगे लॉ के सामने कोई सुपीरियस नहीं होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल सब कुछ मतलब बहुत जब, जबरदस्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो कि 1950 में बना और आज तक uh, हम उसको मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लीडर होंगे जो इसमें इन्होंने लिखा है राइट right? सो so, ये मैं यहाँ बता रही थी और देखिए मैं और कुछ एक और मैं प्यारे बच्चों जैसे संजय मंगल ये बेटा देखो एक अलका बेटा ये जो आ, ये पिक्चर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिक्चर बेटा फाइव मार्क्स के कार्टून्स आते हैं इसमें और ये पिक्चर्स जो हैं फाइव फाइव मार्क्स के आपसे पूछा जाएगा कि ये पिक्चर्स क्या मेंशन कर रही है तो आप बता सकते हैं यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन कर रही है राइट और फिर सेकेंड क्वेश्चन में ये कि भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कितना डिफ़िकल्ट है तो काफ़ी कुछ इनमें लिखा हुआ है कि भी यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट किया गया था तो स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े इनको और फिर बाद में जाके आ, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना राइट right? सो so, और भी पिक्चर्स uh, हैं जैसे ये यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ जवाहरलाल नेहरू हैं और uh, वो देखिए और सारे पीछे हमारी पॉपुलेशन है और uh, किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सबको क्योंकि मैंने आपको मेंशन कर ही चुकी हूँ फिर भी आपको बार बार बताना चाहूँगी कि डिफरेंट uh, वही आइडोलॉजी डिफरेंट कल्चर इनको और नेहरू जी ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट विज़न एंड आइडियोलॉजी राइट तो बिल्कुल और कैन यू डिफाइन दैट द डिफरेंट ग्रुप्स स्टैंड फॉर बिल्कुल देखिए आप बताइए कि कैसे मुश्किल होता है किसी को समझाना किसी को और और देखिए आपकी विचारधारा को मैं अगर मानूं और अगर मतलब आप आप ये देखिए कि एक बहुत मुश्किल है किसी की विचारधारा को मानना और पर हम मैं अपने हमारे देश का जो सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत जल्दी सहनशीलता है क्योंकि टॉलरेशन बहुत है अच्छा है हमारा और ये और ये दुनिया का मतलब मैं तो मैं बार बार भाई अपने देश के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ चलिए आगे देखिए एक ये कार्टून भी है ये कार्टून ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ईरानियन इरा, का ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जैसे कुछ ग्रुप्स हैं सुन्नी ग्रुप्स हैं और कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपने अप, हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे तो इस तरह से था लेकिन हमारे इंडिया सबसे बात एक्चुअली मैं ये सब कहानियाँ मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो हमारी इतनी कहानियाँ नहीं हुई इतनी कहानियाँ नहीं गढ़ी गई जितनी और देशों में प्रॉब्लम uh, क्रिएट हुई राइट right. तो जो आज हमारा टॉपिक है मैंने आपको इराक का एग्ज़ाम्पल दिया यू यु, यूरोपियन यूनियन का एग्ज़ाम्पल दिया राइट सो so, इन जो कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो मैं आ, मैं अपने अब, अब अपनी कंट्री पर आते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो स्टार्ट आइडोलॉज जो स्टार्ट किया गया सबसे पहले कब किया गया आ, किसने ये बात रखी तो हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना मेरे प्यारे बच्चों तो फर्स्ट uh, जो थॉट या फर्स्ट जो प्रपोजल रखा गया वो 1922 में महात्मा गांधी जी ने रखा राइट right? बिल्कुल और इन्होंने कहा महात्मा गांधी जी ने कहा कि uh, भारत में कॉन्स्टिटेंट असेंबली होनी चाहिए संविधान सभा होनी चाहिए राइट right? सो so, तभी uh, हम अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं फाइन तो 1922 में राइट right? एंड uh, चलिए फिर उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और कुछ हमारे यहाँ मूवमेंट्स हुए तो वो हम अपने हिस्ट्री चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं नाइन सिक्स नाइन टू नाइन्थ में टेंथ में एंड राइट सो नेक्स्ट फिर uh, uh, शुरू होता है इसकी डिमांड जो हमारे कॉन्स्टिटेंट असम्बली की तो अगस्त 1940 में इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं सी अंग्रेज़ों ने तो ये कह दिया था कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए आप कॉन्स्टिटेंट असेंबली बना लीजिए आप लेकिन इन मतलब हमारे भारत भारतीय जो लीडर्स थे उन्होंने इंडियंस लीडर्स ने इनको मना कर दिया क्यों क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि इसमें भारत के लोगों के साथ साथ और भी मतलब जो भारत में हैं वो और भी शामिल होने चाहिए तो ये प्रपोजल थोड़ा सा अलग लगा उनको कि नहीं ये ये समस्या है उन्होंने साफ उन्होंने क्योंकि भारत के लोग अपना भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे ना कि हमें किसी प्रेशराइज़ में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हम भारतीय लोग बनाना चाहते हैं राइट एंड नेक्स्ट जो है वो हालांकि ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ आपकी ये फर्स्ट चैप्टर में तो बस यही मेंशन uh, किया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है मतलब कैसे आई बेसिकली जो आपका ये uh, ये जो टॉप चैप्टर है ये एक एनालाइज एंड रिसर्च रिसर्च टॉपिक की तरह इसको मेंशन किया हुआ है और uh, कि कैसे हर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक दूसरी कंट्री के अपने अपनी कंट्री के लोगों के साथ कैसे कॉर्डिनेट uh, करता है इसमें अपर एंड पुअर क्लास जो होती हैं वो कैसे कॉर्डिनेट uh, कर सकता है तो इस तरह का हमें ये थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल थियोरिटिकल चीज़ें हमें बताई गई हैं कि किस तरह से एक आइडल कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं एक uh, ये सब हमें एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन जो मैं आपको ये डेट्स बता रही हूँ नाइनटीन जो मैंने आपको बताया अगस्त नाइनटीन बताया आप तो इसमें मेंशन नहीं है तो प्लीज़ बच्चों इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा और मैं ये चैप्टर को मैं ये वाला जो आपको चैप्टर वो मैं फर्स्ट टू बिफोर टू डेज में आपको पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो जो मेन मेन जो डेट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मतलब इस बुक्स के अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाह रही थी तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो अगस्त प्रस्ताव यानी अग, अगस्त नाइनटीन के बारे में हम बता रहे थे एंड नेक्स्ट जो है वो है क्रिप्स प्रस्ताव नाइनटीन फोर्टी टू तो इसमें क्रिप्स आ, आ, इसमें क्या हुआ इसमें अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है आप कर लीजिए आपके कॉन्स्टिटेंट असेंबली बना लीजिए राइट right. तो आ, इस आ, फिर इसको हमने क्यों डिनाई कर दिया वाई कोई तो बता सकता है बच्चे बताएंगे आप लोग हमने क्यों डिनाई किया वाई बिकॉज ऑफ ये जो ब्रिटिश जो आ, 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 अंग्रेज थे ब्रिटिश थे इन अंग्रेजों ने हमें एक एक एक, एक गाइडलाइन एंड एक 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 हम डिक्लेरेशन किया कि आप ऐसे से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप अपना कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली बना सकते हैं तो Uh, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रिटिश मतलब हमें अंग्रेज़ों ने कहा कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ शामिल हो जाइए एज आर्मी आप शामिल हुई है हमारे साथ हम आपको पूरा uh, मतलब इंडिपेंडेंट पूर, कर देंगे राइट सो फिर जब हम हम एज अ मिलिट्री वहाँ पर एज ए सैनिक के तौर पर हमने जो काम किया तो फिर हमें जब पहले पहली बार जो हमें धोखा मिला इन अंग्रेज़ों से तो हमने सोच लिया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोच लिया कि अब इन ब्रिटिश इन अंग्रेजों इन गोरों के बीच में अब हमें नहीं जाना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपको पता है कि इंडिया इंडिया के जो लोग हैं वो जब कोई हमें कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है या हमें कोई आ, कोई फूल बना बना रहे हैं तो हम समझ गए थे कि हमें ये पागल बना रहे हैं तो हम और ये हमसे काम करवाना चाहते हैं राइट सो so, हमने फिर हमने मना कर दिया तो हमारे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि क्रिप्स जब ये प्रस्ताव आया 1942 में तो अंग्रेजों ने हमें कहा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप अपना कॉन्स्टिटेंट असेंबली बना लीजिए बट क्वेश्चन यही था कि हम क्यों करें राइट right. तो हमने ये जो इनका प्रपोजल था हमने इनको डिनाई कर दिया हमें नहीं चाहिए हम तो क्यों नहीं हम फर्स्ट क्यों नहीं हम वर्ल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहले क्यों नहीं बना सकते हम बनाएंगे तो ये चीज़ था हमने क्योंकि ये कंडीशन था उन लोगों का आप हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि वो तो वॉर चल ही रहा था तो हम हमने कहा नाइन क्योंकि नाइनटीन फोर्टी फाइव में तो uh, से पहले पहले नाइनटीन थर्टी नाइन टू फोर्टी फाइव में वॉर चल रहा था और हम अपने और हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन uh, की जो बनाई थी हमने फर्स्ट मीटिंग इज़ नाइन कल मैंने मैंशन भी किया था नौ दिसंबर नाइन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स में जो किया था फाइन एंड नेक्स्ट uh, बात बेटा मैंने आपको बताया फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म हुआ फिर एक और पता हमने क्रिप्स जो प्रस्ताव आया 1940 उसको भी हमने डिनाई कर दिया कि हमें नहीं चाहिए फिर अब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और मिशन uh, आता है उसको कहते हैं कैबिनेट मिशन इस कैबिनेट मिशन में तीन तीन ऑफिसर आते हैं जिसको लॉरेंस और क्रिप्स और एलेक्जेंडर ये तीन ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारे भारत के लिए कैबिनेट कैबिनेट मिशन में कहा गया कि ठीक है आप आप ये करिए मतलब बनाइए और आ, मतलब मीटिंग कीजिए तो फिर यहाँ हमने कैबिनेट मिशन में हमने डिसाइड कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया कि हमारे जो मेंबर होंगे वो थ्री एट नाइन मेंबर्स होंगे राइट कल भी जब शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया चलिए आज हम बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं तो टोटल मैंबर थ्री अब कुछ बच्चों बच्चे आप लोग मेंशन करें कि आप ये भी जानने की कोशिश करें कि मैम क्यों नहीं इन्होंने राउंड फिगर में पॉपुले मतलब राउंड फिगर में मेंबर्स क्यों नहीं रखे व्हाई बिकॉज व्हाई ओनली मेंशन हेयर थ्री एट नाइन वाई मतलब राउंड फिगर में क्यों नहीं बोला इन्होंने फोर हंड्रेड भी हो सकते थे राइट चलिए मान लीजिए हम तो दो ही और बढ़ा दें फोर हंड्रेड भी हो सकते थे या फिर इन्होंने थ्री हंड्रेड भी रख सकते थे क्यों नहीं इन्होंने राउंड फिगर में रखा व्हाई यहाँ थ्री एट नाइन जो ऐसे ही पॉपुलेशन ऐसे ही मेंबर्स बना दिया तो इसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है बट उस स्पेसिफिक रीज़न को बताने से पहले मैं आपको आ, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ राइट सो एक आ, आ, ये Uh, तो थ्री एट नाइन मेम्बर्स लिए तो थ्री एट नाइन मेंबर्स जो हैं टू नाइन टू टू नाइन टू जो है अभी एक मैं पेज में आपको लिख कर मैं बताती हूँ बेटा दिस वन दिस वन हाँ ये देना बेटा प्लीज थैंक यू सो मच जस्ट राइट सी देखो प्रिय मेरे प्यारे बच्चों थ्री एट नाइन ये मेंबर्स थे थ्री एट नाइन ये जो मेबर्स हैं इनमें एक्चुअली मुझे कैमरा uh, भी हाथ में है और वो uh, एक सेकेंड वन मिनट थ्री एट थ्री एट नाइन राइट ये मेंबर्स होंगे बट ये जो मेंबर हैं बेटा इसमें दो दो डिवीज़न किया गया एक तो टू नाइन टू प्लस फोर तो टोटल कितना हुआ टू नाइन सिक्स राइट एंड नाइन्टी थ्री ठीक है सबसे पहले चलिए मैं पहले ये मेंशन कर दूँ आपको कि थ्री एट नाइन ही क्यों रखा ये क्यों नहीं राउंड फिगर में इन्होंने रखा वो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कि फोर हंड्रेड सॉरी फोर्टी करोड़ यानी चालीस करोड़ जो हमारे इंडिया में उस समय पॉपुलेशन थी जनसंख्या थी तो उसके हिसाब से ये चालीस करोड़ जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से ये इतना राउंड फिगर में ये पॉपुलेशन आता है और एंड नेक्स्ट तो, ये क्या है बेटा टू नाइन टू जो है मेंबर्स ये ये जो पॉपुलेशन टू नाइन सिक्स जो मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया है ठीक है ये आपकी क्या है ब्रिटिश इंडिया एंड नीचे ये जो आपको दिखाया गया है ये आपकी क्या है ये प्रिंसेस स्टेट यानी रियासतें जो हमारी थी ठीक है प्रिंसेस ठीक है प्रिंसेस स्टेट एंड क्लियर uh, हो गया मेरे प्यारे बच्चों अच्छा मैम ये फोर क्या अलग है किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा हाँ किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा और ये फोर कौन है ये फोर बेटा uh, ये फोर जो होंगे ये चीफ कमिश्नर्स होंगे ये होंगे आपके दिल्ली फर्स्ट दिल्ली ठीक है फिर दूसरा है अजमेर अजमेर में अजमेर में कौन सा स्टेट था मे मतलब सॉरी अजमेर में मेरवाड़ा राइट एंड थर्ड कुर्ग कुर्ग जो है वो कर्नाटक में है फोर्थ जो है वो था बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का पार्ट है राइट तो आपको समझ में आया तो ये चीफ कमिश्नर्स थे तो फर्स्ट इज़ पहले मैंने आपको बताया दिल्ली सेकंड अजमेर और तीन कुर यानी कर्नाटक और फोर्थ यानी बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का पार्ट है क्लियर हो गया अच्छा ये जो मेंबर हैं टू नाइन सिक्स जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड होकर आएंगे ठीक है क्या होकर आएंगे इलेक्टेड और जो नाइन नाइन्टी थ्री जो प्रिंसेस थे जो रजवाड़े थे जो देसी रियासत थी जो राजा महाराजा थे वो क्या होंगे अपॉइंटेड होंगे जिनको मनोनीत बोलते हैं क्लियर हो गई यहाँ पर मेरी बात समझ में आए आप सबको हाँ जी तो और ये तो मैंने आपको बताया है कि चालीस करोड़ हमारी जनसंख्या थी और तो फिर अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया था कि एक जो मेंबर होगा उसके पास दस जो लाख पॉपुलेशन है वो होंगी ठीक है मतलब दस दस लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए क्लियर हो गया यहाँ पर बात ओके यहाँ तक बात समझ में ये आपके अपॉइंटेड अपॉइंटेड होंगे आ, और ये क्या होंगे इलेक्टेड होंगे फोर मेंबर्स मैंने आपको बताई दिया है राइट तो ये टोटल टू नाइन सिक्स होगा और टोटल मैंने आपको यहाँ बताई दिया चलिए ये तो इन्होंने हमें राउंड फिगर दे दिया कि आपने इतने मेंबर्स आपके इलेक्टेड आ, मतलब आपके इलेक्ट वो होंगे कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली के मेम्बर्स होंगे अब आता है क्वेश्चन और इसमें लीग ऑफ नेशन भी होगी ऑल राइट तो बात समझ में और लीग ऑफ नेशन के नाइन सेवेंटी थ्री मेम्बर्स होंगे ठीक है यहाँ ये इसमें ही होंगे ठीक है चलो लीग ऑफ नेशन के भी बारे में बात करेंगे अब बात आती है मैंने कल आपको मेंशन भी किया था कि नाइन दिसंबर नाइन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स में फर्स्ट मीटिंग हुई थी अब जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो इसमें मेंबर्स ओनली टू ज़ीरो सेवन मेंबर्स थे वाई मेंबर्स तो टू टू नाइन सिक्स होने चाहिए तो टू ज़ीरो सेवन ही क्यों बताइए ये एक और एक इनके जो नॉन uh, परमानेंट uh, जो मेंबर थे वो सचिनानंद सिन्हा थे अब आप कहेंगे कि मैम सचिनानंद सिन्हा को ही क्यों रखा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव जब आपके वन ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स आपका वो होंगे ये जो एग्ज़ाम में आप करेंगे तो ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें पूछा जाता है ऐसे एम सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सचिनारायण सिन्हा हमारे उस कॉन्स्टिटेंट असेंबली के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफ सीनियर मेंबर थे इसलिए इसलिए उनको आ, इसका इस आ, इस Uh, मतलब अध्यक्ष बनाएगा इनको वो उसमें फर्स्ट मीटिंग में नाइन दिसंबर नाइनटीन में राइट एंड नाइन दिसंबर 1946 फोर्टी सिक्स में लीग ऑफ नेशन ने शा, इसमें शामिल होने से मना कर दिया कि हाँ मैं अब इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे ठीक है क्लियर हो गई यहाँ बात क्यों क्योंकि वो अपने एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली चाहते थे कि भाई हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए हम भी अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते हैं लेकिन ब्रिटिशों ने इसको डिनाई कर दिया ब्रिटिश कह रहे कि नहीं ऐसा दो दो नेशन होंगे आपका अलग पाकिस्तान का होगा और अलग इनका होगा नो तो उन्होंने साफ ही क्लियर करके मना कर दिया तो जब ये एक और है आपको जो मतलब पहले एक यहाँ प्रधानमंत्री पीएम प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल उस दौरान तो मतलब उन्होंने कर, एक कोटेशन में एक लिखा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी नौ नाइन दिसंबर टू नाइनटीन फोर्टी सिक्स में तो वन ज़ीरो सेवन आए थे तो उस में, उस उसमें उस 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 लीग ऑफ नेशन नहीं आए तो लीग ऑफ नेशन के लिए कहा गया कि हमारे एक मतलब उसमें बोला कि चर्चिल बोलते हैं कि ये जो आपकी फर्स्ट मीटिंग थी वो इस तरह की मीटिंग थी इस तरह की मीटिंग थी कि उसमें जैसे एक